आज हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रुप डिस्कशन है क्या। ग्रुप डिस्कशन एक प्रकार का इंटरैक्टिव प्रक्रिया है जहां पर इंडिविजुअली लोगों का समूह साथ साथ अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए, ओपिनियंस को, इंफॉर्मेशन को किसी विशेष टॉपिक पर एक्सचेंज करने के लिए इकट्ठे होते हैं। द गोल ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन का जो होता है किसी भी सामूहिक निर्णय पर पहुँचना होता है या किसी सुझाव पर पहुँचना होता है, और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स इस सुझाव को और निर्णय को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, टू परसीव द हम लोगों के कॉमन आइडियाज़ को उस विशेष टॉपिक पर जानने के लिए भी जीडी का प्रयोग करते हैं, टू अडॉप्ट जब हमें किसी भी सॉल्यूशन का हल निकालना होता है तब जीडी का प्रयोग किया जाता है, टू सेलेक्ट जब हम किसी कंपनी में किसी कैंडिडेट को हायर करेंगे तब इसका प्रयोग किया जाता है, टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तब जीडी कराई जाती है। लेकिन जीडी कराने के लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उनके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। प्रायर नॉलेज, उनको ज्ञान होना चाहिए उस टॉपिक का पहले से ही, और उन्हें एक्टिव लिसनर भी बनना चाहिए जिससे कि लोगों की बातों को समझ सके, सुन सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, और एप्रोप्रिएट बॉडी, उनकी बॉडी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। देखिए इसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट सेमी सर्किल में होता है जिससे कि लोग एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हर व्यक्ति जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अलग अलग रोल होते हैं। स्टार्टर जो कि डिस्कशन को स्टार्ट करता है, क्लियर फैक्ट्स जो अपने फैक्ट को बहुत ही स्पष्ट तरीके से व्यक्त करता है, स्टॉपवॉच जो केवल घड़ी का वेट करता है कि कल कब समय पास हो, एग्रेसिव से कुछ लोग डिस्कशन करते करते काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कंट्रोलर वो होता है जो एग्रेसिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है, ऑडियंस वहाँ कुछ ऑडियंस होती है जो केवल लोगों के विचारों को ही देखती है, कोई मॉडरेट रेफरी, इस चीज़ का सहयोग करता है कि हर व्यक्ति को अपने अपने विचार को व्यक्त करने का मौका मिले। बॉन्ड लीडर, ऐसा होता है जो हमेशा सही शुरू से ही सही डायरेक्शन में चलते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं। प्रोवोकेटिव, होता है जो लोगों को मोटिवेट करने का मौका देता है, मोटिवेट करता है कि हर व्यक्ति बोले वहाँ पर। कैप्चर, हर व्यक्ति के जो विचार होते पार्टिसिपेंट उनकी को नोट डाउन करता है। फॉल्ट फाइंडर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दूसरों में कमियां को ढूंढते रहते हैं। द सेटलर, कुछ होते हैं जो मैटर को सेटल करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई हीटेड आर्गुमेंट ना हो। गेस्ट मेकर होते हैं जो लास्ट में हर चीज़ को समराइज करते हैं, और सॉरी फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स जो हर जो व्यक्ति अपने जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं अपने विचार को व्यक्त होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी नए आर्गुमेंट नहीं देते। क्वेश्चन मार्क, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो हमेशा अपनी बात को अपने आइडियाज को क्वेश्चन के रूप में ही स्टार्ट करते हैं। गेस्ट मेकर जो लास्ट में हर चीज़ को समराइज करते हैं। तो कुछ हमें ऐसे कार्य भी करने चाहिए जो जीडी के अंतर्गत होते हैं, जैसे कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, दूसरों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं समझना चाहिए, आर्टिकल रिपीट हमें इस विचार अपने विचार को स्पष्ट करना चाहिए दूसरे समझ सकें, अपने विचारों को हमें थॉट्स को स्ट्रक्चर एक तरीके से 1-2 एक ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए लॉजिकली रूप में। इसके लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ऐसे और आर्टिकल्स को पढ़ें जिससे हम विचारों को एक स्ट्रक्चर दे सकें, प्लानिंग दे प्लान कर सकें उनको। रेस्पेक्ट अदर्स, और हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए कि वो जो भी है। वी ओपन माइंड, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। ट्रेन होता है अपने माइंड को हमें एनालिटिक थिंकिंग रूप में ट्रेन करना चाहिए जिससे कि हर विचारधारा को के पहलू को एक्सेप्ट करने की क्षमता पैदा हो सके। कुछ ऐसे डॉन्ट्स होते हैं जो हम नहीं कर सकते, जैसे कि यूजलेस टॉक, इरेलेवेंट टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए, और दूसरे जो बोलते हैं उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है, अगर हस्तक्षेप करें तो अगर हमें कुछ रोकना भी है तो हमको पोलाइटली बोलें। एबाउट डोमिनेट, हमें अपनी कन्वर्सेशन को प्रॉपरली डोमिनेट नहीं करना है बल्कि दूसरों को भी सहयोग करने के लिए उनसे बोला है, उनकी व्यूज को समझना है, और हमें डोंट शो लैक ऑफ, हमें नहीं दिखाना कि हमें उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है या हमारा कोई नेगेटिव एटीट्यूड, ऐसा नहीं दिखाना है। अबाउट स्टेटिंग योर ओनली योर व्यूज, हमें केवल अपने विचारों को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। अबाउट ड्वेलिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ जीटी, के हम केवल एक पहलू को नहीं, हमें हर पहलू को टच करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।